राधे राधे फ्रेंड्स, देखेंगे जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड आंसर। तो फेमस पर्सनालिटीज़ जो नेम हैं उनको देखेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम्स में। तो पूरा वीडियो शुरू से एंड तक बहुत ध्यान से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, किसको प्यार से बा कहा जाता था? तो ये कहा जाता था कस्तूरबा गांधी, महात्मा गांधी जी की पत्नी को कहा जाता था। आगे, निम्न में से किन्हें प्यार से द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये तमिलनाडु के इरोड जिले में हुआ था। वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक तथा नारीवादी सावित्री बाई फूले का संबंध भारत में निम्न में से किस राज्य से था? तो ये था महाराष्ट्र से। आगे है, निम्न में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता के रूप में जाना जाता है? तो ये नवाब अब्दुल लतीफ खान को जाना जाता है। भारत में किसे राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मोहनदास करमचंद गांधी। एवरग्रीन क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आगे, निम्न में से किसे आंध्र केसरी के नाम से भी जाना जाता है? तो आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता है टी प्रकाशम को। जयप्रकाश नारायण लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाने जाते थे? तो ये लोकनायक के नाम से जाने जाते थे। आगे है, जयप्रकाश नारायण को किसकी उपाधि दी गई थी? तो ये दी गई थी इनको लोकनायक की उपाधि। भारत डैश के जन्म दिवस पर सुशासन दिवस मनाता है? तो ये मनाता है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर। और ये कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। आगे, निम्न में से किस राजनेता ने अपने नाम से पहले बाबू उपनाम लगाया था? तो ये लगाया था जगजीवन राम ने। आगे है, धनपत राय श्रीवास्तव को किस नाम से जाना जाता है? तो ये प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। आगे है, सिद्धेंद्र योगी डैश नृत्य रूप के एक प्रमुख आदि गुरु के रूप में सराहा गया? तो इनको कुचिपुड़ी नृत्य रूप के प्रमुख आदि गुरु के रूप में सराहा गया। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद इकबाल अहमद खान किस घराने से संबंधित हैं? तो यह दिल्ली से संबंधित हैं। आगे है, निम्न में से कौन से राजनेता 1986 से 1989 तक राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में भारत के गृह मंत्री थे? तो ये थे बूटा सिंह। आगे है, संगीतकार जाकिर हुसैन का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के साथ है? तो ये तबला के साथ है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खान निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे? तो वह पटियाला से संबंधित थे। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एथलीट संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ का पहला युवा राजदूत थी? तो ये थी हिमा दास। आगे है, निम्नलिखित गायकों में से किसे मल्लिका ए गज़ल या गज़ल की रानी कहा जाता था? तो ये कहा जाता था बेगम अख्तर को। आगे है, कवि और लेखिका अमृता प्रीतम का संबंध निम्नलिखित में से किस साहित्य पत्रिका से था? तो ये प्रीतलहरी से था। मारियो डी मिरांडा गोवा राज्य का एक क्या था? तो ये कार्टूनिस्ट था। किशोरी अमोनकर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ी थी? तो ये है भारतीय शास्त्रीय संगीत से जुड़ी थी। थैंक फॉर वॉचिंग।